नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टफ यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले आप अपने जनरेशन एक्स वाई जेड डोमेन को अपनी होस्टिंग या फिर ब्लॉगर में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारा ये पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने एक्स वाई जेड डोमेन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर किया था, तो उस डोमेन को आप जो है अपनी होस्टिंग या फिर ब्लॉगर में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसे करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है अपनी डैशबोर्ड में और जो भी डोमेन आपने रजिस्टर किया है उसके आगे ये जो मैनेज का बटन है इस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद कुछ इस तरीके का पेज आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब इसे अपनी होस्टिंग में शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे आपको जो है अपनी होस्टिंग के नेम सर्वर यहाँ पे डालने पड़ेंगे। अगर आपको आपकी होस्टिंग के नेम सर्वर नहीं पता तो होस्टिंग का जो सपोर्ट सेंटर है उन्हें कॉन्टैक्ट करिए। एक बार आपने यहाँ पे नेम सर्वर पेस्ट कर दिए उसके बाद में यहाँ पे जो एड ऑन डोमेन का सेक्शन है उसमें आके आपको वो डोमेन आपका पेस्ट कर देना है। और अगर आप यहाँ पे फ्री वेब होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं जैसे इन्फिनिटी होस्टिंग, तो उसमें भी आपको सेम चीज़ करनी है। उनके जो नेम सर्वर है वो आपको पेस्ट करने हैं अपनी जनरेशन एक्स वाई जेड के डैशबोर्ड में और बाद में एड ऑन डोमेन सेक्शन का यूज़ करके वो डोमेन ऐड कर लेना है अपनी होस्टिंग में, जिसके बाद आप उस पर जो है वर्डप्रेस यहाँ से आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे। अब हम देखते हैं ब्लॉगर में उस डोमेन को कैसे शिफ्ट करना है। तो उसे करने के लिए आपको जाना है ये जो मैनेज डीएनएस का सेक्शन है उसमें, तो ऊपर आपको यहाँ पे यूज़ डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर्स का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसे सेलेक्ट कर लीजिए। बाद में यहाँ पे ये बटन हाईलाइट हो जाएगा मैनेज डीएनएस का, फिर उस पर क्लिक कर लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो भी डोमेन आपने रजिस्टर किया है उसके एक हफ्ते के अंदर आपको आपका मेल वेरीफाई करने का एक मेल आएगा, तो आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर लीजिए, नहीं तो आपका जो डोमेन है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा अगर आपने मेल आपका वेरीफाई नहीं किया तो। अब हमारा जो मैनेज डीएनएस का सेक्शन है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें जो है वो रिकॉर्ड्स डालने हैं ब्लॉगर पे शिफ्ट करने के लिए, तो उसे करने के लिए आपको जाना है आपके ब्लॉगर में। ब्लॉगर में जाने के बाद सेटिंग सेक्शन में आपको जाना है और उसके बाद यहाँ पे पब्लिशिंग का जो सेक्शन दिखाई देगा आपको यहाँ पे कस्टम डोमेन पे क्लिक कर लीजिए और जो भी एक्स वाई जेड का डोमेन आपने वहाँ पे रजिस्टर किया था वो डोमेन वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब मैं इस डोमेन का नाम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके आपको वो पेस्ट कर देना है या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद में सेव बटन पे क्लिक करिए। बाद में आपको कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन दिखाई दे देगा। अब ये जो रिकॉर्ड्स है वो हमें अपनी जनरेशन एक्स वाई जेड की डैशबोर्ड में अपडेट करने हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे जो चार रिकॉर्ड हमें अपडेट करने हैं, नेम और उसका डेस्टिनेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे नेम में जो दिखाई दे रहा है आपको www, इसे कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर दीजिए। और रिकॉर्ड टाइप जो है वो आपको सी नेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो डेस्टिनेशन में जो दिखाई दे रहा है वो कॉपी करिए एड्रेस और यहाँ पे आके इस एड्रेस वाले फील्ड में पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद फिर से एक बार न्यू रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करिए। एक बार फिर से आपको वही चीज़ करनी है, नेम के आगे आपको ये जो दिखाई दे रहा है रिकॉर्ड इसे यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर दीजिए। फिर से एक बार रिकॉर्ड टाइप में सी नेम सेलेक्ट कर लीजिए और एड्रेस में जो है वो आपको ये जो डेस्टिनेशन एड्रेस है ये पूरा एड्रेस यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर दीजिए। अब ये चार रिकॉर्ड हमारे ऐड हो गए। उसके बाद में यहाँ पे आपको नीचे ये जो लिंक दिखाई दे रहा है इस लिंक को न्यू टैब में ओपन कर लीजिए या फिर इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, गूगल आईपी एड्रेस ऐसा करके, वहाँ से जाके अभी आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ए रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है ये चार ए रिकॉर्ड, ये आईपी एड्रेस जो है वो हमें वहाँ पे अब डालने हैं। तो पहला रिकॉर्ड जो है वो यहाँ से कॉपी कर लीजिए और फिर से एक बार न्यू रिकॉर्ड बटन पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपका जो जनरेशन एक्स वाई जेड का डैशबोर्ड है वहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ आपको ऐट द रेट टाइप करना है और उसके बाद में वो आईपी एड्रेस पेस्ट कर देना है। सेम तरीके से आपको जो है वो चारों आईपी एड्रेस वन बाय वन यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। आपका जो होस्ट नेम है उसमें आपको ऐट द रेट टाइप करना है, रिकॉर्ड टाइप में ऑटोमेटिकली ए एड्रेस करके ऐसा लिख के आ जाएगा और एड्रेस सेक्शन में आपको वो आईपी एड्रेस पेस्ट कर देना है। ये चारों एड्रेस आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए वन बाय वन। मैं यहाँ पे आखिरी रिकॉर्ड पेस्ट कर देता हूँ और एक बार आपने ये सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे डाल लिए तो उसके बाद में आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और ये जो सेव चेंजेस का बटन है इस पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी, तो ये वेबसाइट थोड़ा टाइम लेगी आपकी यहाँ पे सेटिंग सेव करने में। एक बार आपके रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट हो जाए
तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, विंडो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा और ऊपर आपको नोटिफिकेशन भी दिखाई दे देगा, चेंजेस सेव्ड सक्सेसफुली, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारे ये जो रिकॉर्ड है ये सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। अब सिर्फ आपको जाना है ब्लॉगर में, और ब्लॉगर में जाने के बाद ये जो सेव का बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लीजिए। हो सकता है आपको कुछ इस तरीके का एरर दिखाई दे, तो थोड़ा वेट करना है आपको, और उसके बाद फिर से एक बार सेव बटन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपका जो डोमेन है ब्लॉगर में ऐड हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा डोमेन यहाँ पे ऐड हो चुका है कस्टम डोमेन वाले सेक्शन में। अब हम जो है वो इस वेबसाइट को विजिट करके देख लेते हैं हमारा डोमेन यहाँ पे सक्सेसफुली लगा है हमारी ब्लॉगर वेबसाइट पे या नहीं। इस वेबसाइट को मैं यहाँ से एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ और हम यहाँ से इसे विजिट करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा डोमेन सक्सेसफुली ब्लॉगर में यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। और एक चीज़ अब आप यहाँ पे कर लीजिए, HTTPS रीडायरेक्ट जो है उसे ऑन कर लीजिए। उसके थोड़ी देर बाद आपका जो SSL सर्टिफिकेट है वो आपकी डोमेन पे सक्सेसफुली प्रोपेगेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप अपनी जनरेशन XYZ डोमेन को आपकी होस्टिंग में या फिर ब्लॉगर पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।